哎呦我的妈！Hey guys, welcome back to our channel and friends. तो guys, आज जो है मैं काफी दिनों के बाद, मतलब 4-5 दिन के लिए मैं बाहर गया था, तो आने के बाद मतलब कुछ प्रैंक मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, तो आज जो है अच्छा समय मिला है. मेरी वाइफ जो है लगभग 1:30 बजे हम लोगों को खाना खिलाने के बाद चली गई अपनी मम्मी के पास. बहुत दिन से एकदम कच 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 कर रही थी कि मतलब मुझे स्कूटी चलाना है, स्कूटी चलाना है, स्कूटी नहीं चला पाती हूँ. तो आज अकेले स्कूटी लेके गई है मम्मी के पास और पता नहीं क्या चुगली कर रही है मेरे बारे में, भगवान जाने. खैर मुझे उससे क्या मतलब है. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि कहाँ हो, कितने देर में आओगी, तो बोली कि आधे घंटे में आ रही हूँ. तो आधे घंटे का टाइम बचा है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक प्रैंक का मैं प्लान करूँ. तो हमारे सेक्टर 4 में ना एक मतलब मार्केट है, फुटपाथ मार्केट, जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, तो अंडरगारमेंट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे मिलते हैं. तो वहाँ से इसलिए लिया ताकि ज़्यादा महंगा ना पड़े. तो मैंने ये किए जो है नया जो है मैंने उसके लिए ख़रीदा है, उसके लिए नहीं मतलब प्रैंक के लिए ख़रीदा है. तो इसको जो है नया इसलिए खरीदा है ताकि उसको जो है आइडिया ना लगे कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो किसी और का. साइज में मैंने छोटा लिया है क्योंकि वो तो मोटा के भैंसी हो गई है. ये मैंने छोटा लिया है ताकि उसको ये लगे कोई यंग लड़की. उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे देखिए सोफे के नीचे में इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ. देख रहे हैं दोस्तों? हाँ. तो अब उसको आने में भी आधा घंटा टाइम है, तो तब मैं अपना सारा एकदम सेटअप कर लेता हूँ, माहौल बनाता हूँ. तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जो कीजिएगा. फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. मैं जा रहा हूँ सोने. और हाँ, आज कैमरा मैं 2 जगह सेट करने वाला हूँ, एक इस जगह पे और एक अपने बेडरूम में. तो दोनों जगह का सीन आप लोगों को दिखेगा. तो गाइज मैं तो कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अच्छा बनाने की, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा. चलिए जल्दी से कैम स्टार्ट करता हूँ, मिलता हूँ प्रैंक में. बाय. सेवरल बैड पन्स लेटर. जाते हैं हम रॉकेट बंद करते हैं क्या? आपको बोला ना कि आ जाइएगा आप भी. ये कौन सा टाइम है सोना सोने का आपका? पूरा बॉडी पेन हो रहा है. बॉडी पेन हो रहा है? बोले थे कि आप आइएगा लेने के लिए. बॉडी पेन हो रहा है. तन्नू को ट्यूशन छोड़ दिए थे? हाँ ए जी आयो रे माँ. किसका है? मेरा तो नहीं है. जोर से मारे जी. आप मारेंगे? किसका है ये? किसका है? घर में कहां से आया ये?
जल्दी क्या कर रहा है, देख क्या है वो जान लेने उसका हम कहे छोड़ दे कोई नहीं आई थी यार, अब सपना देख रहे थे कोई आया था, तो ये भी सपना से आ गया क्या? इसी का बॉडी पेन हो रहा है, बहुत मजा किए है ना, सच बताइए किसका है? अभी गला काट देंगे आपका, किसका है? हमको छोड़ के जाए मत कीजिए 3-4 घंटा के लिए, हमको कितना याद आता है आपका, याद आता है किसी ने घर बुला लिया किसका है, किसका है ये? ऐसा एकदम मोटा सा इलास्टिक वाला, सब महंगा भी होगा, किसका है ये, किसका है? इतना महंगा थोड़े पहनती हो? अरे देखिए आपने बहुत सोच समझ के अच्छे से हमको बोली कि वो है किसका, समझे? नाटक बनाइएगा, बोलिए कुछ भी, आनंद कहानी बना दीजिएगा, हम नहीं मानने वाले, किस लड़की का है ये? ऑथेंटिक का है ये, ऑथेंटिक का है, जिसका भी वो है किसका ये हमको बताइए, और घर में कहां से आया, घर है कि क्या है? अरे अरे हमारे पुत्र हो रहा, जा भी नहीं पा रहे, ये घर है कि क्या है? हाँ किसी का कुछ छूट जाता है, होम स्वीट होम है ये, ये किसके लिए है होम स्वीट होम? अरे हाँ किसके लिए है? तो पता नहीं क्या है, गलती है, चौथे क्या होता है आपसे, गलती ही है आप दुनिया धरती है गलती है, समझे? अच्छा ये धोखा पहन सकते हैं? हाँ पहनेंगे, अपना सकल देखे सकल सोच मत लिए हैं, हाँ किसी ने कचरा उठा के आके हम घर रख दिए हैं, कौन आया था हम अच्छे से नहीं, मेरे एक्चुअली कौन आया था, हम मतलब 3-4 घंटे कहीं जाता नहीं है कि आपका रखना लिया साफ हो जाता है, हाँ ज्यादा आपका चुलबुल चुलबुल करता है क्या, हाँ ज्यादा चुलबुल करता है आपका, हाँ तो आप 4-5 घंटे जाते हैं कहीं तब क्या करते हैं जी, हाँ 4 घंटे में तो ये हाल है आपका, 4 घंटे में तो ये हाल है कि लड़के घर में बुला के पता नहीं क्या कर रहे हैं, शरीर में बॉडी फैट करवा रहे हैं, मजा लेते समय बॉडी पेन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उस समय तो नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा, अरे यार बट उस समय मतलब जिस समय सोए थे उस समय नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, ऊपर से मार दिए हमको, आपको तो लाल कर देंगे, पिछवाड़ा काट देंगे, तोड़ देंगे चाकू ला, समझे ना, इससे बताइए तो इसको क्या करना है, इसको वापस देते हैं, फेंक देते हैं ना इसको, साले मुंह से सही सही बोलो किसका है वो, अरे कौन आया था घर में, अरे हम कुछ नहीं किए हैं, ये गलती से लगता है छूट गया है, किसका छूटा है वही पूछ रहे हैं, कौन आया था, अरे हाँ, जो काम वाली जो नहीं आती है, हाँ। उसकी कोई फ्रेंड थी, अच्छा हमको सिखा रिया है, अरे उसको टॉयलेट पर भी क्या लगा था, वही बोली हमको बस जाना है 2 मिनट में निकल के आ जाएंगे, तो हम वो आए हम चुप करके सो गए, पता नहीं कब वो अब अपनी चड्डी वहां खोल के रख चले गए, तो भूल चली गई हो, चड्डी खोल के कौन जाता है टॉयलेट और लैट्रिन करने, हम जाते हैं, हम जाते हैं, कोई हम तो नहीं जाते हैं, तो वो कैसे चले गए, तो आप सब इंसान है आप नहीं जाते हो, आप तो खोले कहां जाते हैं रख के, आप खोलते तो हमने देखे आप तो नहीं बाहरते हुए, कई बार होता नहीं आदमी बिना बाहर में रखे हैं, हमको किसका है वो हटाइए यहाँ से पहले, अरे ये कुछ पूछ रहे हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं ऐसा मेरे को ड्रामा स्टार्ट करता, आप 4 दिन के लिए जब दिल्ली गए थे वहां कैसे अपने आपको रखे थे, वहां नहीं वहां वहां कुछ नहीं हो रहा था, वहां खुजली नहीं मच रहा था वहां, सकल क्या सकल, सकल से थड़की दिखता है ये आदमी, अब देखिए उसका दाम पहनेगा नहीं तो फेंक दीजिएगा, हटाइए उसको वहां से, और जो आए तो उसको बुलाइए अभी घर में, फैसला करते हैं अभी, या तो यही रहेगा, तो हम कुछ किए थोड़े हैं, हम ना सोए हुए थे, हमने आई अपना कुछ मर बना कर चले गई अपने यहाँ से, अब हम उसके पीछे भी जाएंगे, तुम्हारा चिट्ठी छूट गया, तुम्हारी चिट्ठी छूट गया, काम वाली सामने तो नहीं आती है यहाँ, हमको कहा बेको बना रहे हैं काम वाली की दोस्त, नहीं छोड़ दीजिए इसको फेंक दीजिए, इतना इस बार बाप कर रहे हैं, ठीक है हमको बताइए वो अब कर रहे हैं, खुशबू ले रहे थे सब, हिम्मत कैसे हुआ मेरे को फेंकने का, उसको हिम्मत कैसे हुआ, अरे छोड़ दीजिए, नहीं कैसे हिम्मत हुआ मेरे को फेंकने का, कैसे हिम्मत हुआ, हाँ बोलिए,
लगेगा। आप पहनिए इसको। हमने पहन लिया। दो के पहन लीजिए। आप भी पहनिए ना, जाइए रास्ते में बहुत गिरा होता है, पहन पहन लीजिए कीजिए, खरीदना ही नहीं पड़ेगा आपको। बुढ़ा आदमी को आएगा, किसी लड़की का है वो, समझे? साइज नहीं समझ में आ रहा किसी लड़की का है। वो काम वाली तो औरत है, इधर की पतली सी किस लड़की का है। अरे तो हाँ, उसके सास में थी, पतली दुबली थी, सुंदर थी, मतलब लड़ा था उसको टॉयलेट, तो हम बोले ठीक है कर लो जाओ। साला कौन कौन लड़की टॉयलेट करके आती है, उसको वहाँ फैला के जाती है। उसका आदत होगा ऐसा, छोड़ नहीं होगा। अपना आदत बताइए ना कि मेरा ही आदत है ऐसा। कौन यहाँ आई थी और किसी साथ क्या किए हैं आप बताइए हमको पहले भी। अरे अब सुनिए, हम वो सब चीज आपके सामने नहीं बोल सकते, ठीक है? इतना हम करने में कांड करने में अरे कोई कांड नहीं किया है यार, मेरे तो बाहर वो दर्द दे रहा है, अभी दर्द दे रहा है आपका। हाँ, और कहीं ऐसा होता है जब कुछ कांड करते हैं तब? हाँ तब तो मजा आता है ना। बट हाँ, क्या शर्म आ रहा है बोलने में? कांड करने से तो मजा आता है। अभी आपको चोट लग गया? बॉडी पेन लग रहा है। बॉडी पेन हम अभी मार्केट में पार्किंग पास नहीं मिलता है। चल चल बैठ, भी कर रहा है पूरा। अरे नहीं मतलब कुछ और बोलना चाह रहा, मतलब इसीलिए हम लोग उधर बैठते हैं, ये बोल रही है ना, आवाज कर रहे पाए। कौन लोग बैठता है? हम और आप और कौन? कब बैठते हैं वहाँ? टीवी देखना था बोल रही है। नहीं वो किसी का है, उनको नया नहीं लग रहा है। किसका है भाई? तो नया लेके आए, खुद हम खरीद लाए हैं। खरीद लाए हैं? हाँ। दिखाई कहाँ से लाए हैं? चलिए कहाँ से लिए? घास खरीदे वहाँ को बोलेगा दुकान कि हाँ यहाँ से लिए। अब हम दुकान ले आएंगे आपके साथ, क्या बोलेगी? देखिए चड्डी आप ही का दुकान का है, क्या बोलेगा? कि तुम्हारा कैसा पति है? क्या बोलेगा? बोल दीजिए कि ये साइज मेरी वाइफ को नहीं आया, दूसरा दीजिए। इसको अटल खुला हुआ मतलब। अरे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं आप झूठ सच में करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आप बोले ना कि पहना हुआ है, मतलब आप पहना हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। खरीदे हैं जी, समझे? इतना विश्वास कीजिए। हमने ये नहीं रखी अपना अलमारी में। मेरी अलमारी में क्यों रखी? किसी का भी सामान, किसी का भी खोला हुआ अपना अलमारी में रखी है। हाँ जाइए रखिए।